नमस्कार दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज हमारे यहाँ पे कीर्तन में जो कलश यात्रा निकाला गया है उसमें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो भाई लोग हैं वो रास्ते को साफ कर रहे हैं, जो आगे पानी डाल के, उसके बाद जो झाड़ू से, और उसके पीछे पीछे हमारे जो नानी जी है ये गंगा जल छिड़क रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर हमारे जो ठाकुर जी की गाड़ी सजाई गई है उसमें ठाकुर जी जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे माता बहनें देख सकते हैं आप ऊपर से, यहाँ पे हमारे माता बहनें और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं हर कोई अपने मस्त, मतलब यहाँ पे मस्त है ठाकुर जी के नाम कीर्तन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हर कोई जो हमारे बंगाली में लाल पाड़ी साड़ी पहनते हैं, लगभग सभी जो माताएं हैं हमारे वो लाल पाड़ी वाला साड़ी पहनकर ये कलश को अपने सर पर रखकर लेके जा रहे हैं जल भरने। जो जल को लाकर फिर यहाँ पे हमारे जो मंदिर हैं मंदिर में रखा जाएगा, और इसी जल से हमारे मंदिर के जो अभिषेक होगा, जो भी होगा, इसी जल से किया जाएगा, जो गंगा मान के हम वहाँ पे करते हैं। और यहाँ में हमारे कुछ भाई लोग जो छोटा हाथी में भी जा रहे हैं गाना गाते हुए, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्रभु जी बहुत ही सुंदर यहाँ पे नृत्य करके अपना मधुर वाणी से जो है ठाकुर जी का नाम कीर्तन कर रहे हैं। और हमारे ये माता बहनें जो हमारे उसमें उल्लू जो ही बहुत ही सुंदर होता है, और हर पूजा में उल्लू के बिना हमारा पूजा अधूरा माना जाता है, और उसको करते हैं फिर शंख ध्वनि। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे माता बहनें और हमारे ये संजय दा भी बहुत ही मदमस्त हो गए हैं ठाकुर जी के नाम कीर्तन में। यहाँ पे बहुत ही भक्ति भाव से देखिए, यहाँ पे जल को हम जब कलश में भरेंगे उससे पहले यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है हमारे गंगा मैया का, और ये सिंदूर डाला गया, उसके बाद जो है यहाँ पे देखते सकते हैं आप तेल से, और उसके बाद ये दूध डाला गया है, और ऐसे ही मतलब इसकी आरती भी होगी। और यहाँ पे पान सुपारी और केला डाल के अब ये आरती हो रही है। आरती के बाद ये हमारे शेखर मंडल जी, उसके बाद ये देखिए गंगा मैया का वरण कर रहे हैं, और वरण करने के बाद ही इसमें जल भरा जाएगा। सबसे पहले हमारे ये जो छोटे उसमें भरा गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए कलश को प्रभु जी हमारे कितने अच्छे तरीके से पानी को वो करके इसमें जल भर रहे हैं, और यहाँ पे ये भर चुका है पूरा कलश। अब इसको उठाकर हमारे माताओं के मस्तक पे रखा गया, और यहाँ पे हमारे जो जितने भी माता बहनें आए हुए हैं सभी जल भर रहे हैं। और यहाँ पे हम मंदिर में पहुँच चुके हैं वापस, और मंदिर में देखिए आप, मंदिर में बहुत ही सुंदर लाइटों द्वारा सजाया गया है, और यहाँ पे पहुँच चुके हैं सभी। बाकी हम रास्ते का अभी दिखाए नहीं आपको क्योंकि अंधेरा हो चुका था, इस चक्कर में वीडियो सही नहीं आ रही थी। अब देखिए यहाँ पे हमारे प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।